महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री सुकन्या विवाह योजना के तहत आज बिरकौनी चंडी मंदिर के प्रांगण में 65 जोड़ों ने 7 जन्म तक 7 जीने मरने की कस्में खाते हुए विवाह बंधन में बंधे। सुबह 12 बजे बिरकौनी के माता पिता मंदिर के विशाल बरगद पेड़ के नीचे लगे पंडाल में महिला बाल विकास विभाग द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह सम्पन्न कराया। महासमुंद जिले में मुख्यमंत्री सुकन्या विवाह योजना के तहत कल बिरकौनी चंडी मंदिर के प्रांगण में 65 जोड़ों ने 7 जन्म तक 7 जीने भरने की कस्में खाते हुए विवाह बंधन में बंधे। सुबह 12 बजे बिरकौनी के माता पिता ने मंदिर के विशाल बरगद पेड़ के नीचे लगे पंडाल में महिला बाल विकास विभाग ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह विवाह कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सुकन्या विवाह योजना में 75 जोड़ों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 10 जोड़े इस विवाह कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। बिरकौनी मंदिर के प्रांगण में महिला बाल विकास विभाग द्वारा विवाह के लिए पहुँचे जोड़ों के लिए लगभग 20 हवन कुंड बनाए गए। प्रत्येक कुंड में 4 जोड़ों ने मंत्रोच्चारण के साथ विवाह बंधन में बंधे। महासमुंद ब्लॉक से पहुँचे वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए उनके साथ उनके परिजन भी उपस्थित थे। विवाह पूर्व दुल्हा दुल्हन को तैयार करने के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा लड़की पक्ष को शादी का जोड़ा दिया गया, वहीं वर पक्ष को कुर्ता पजामा दिया गया। विवाह के उपयोग में लाई जाने वाले सामान भी उपलब्ध कराए गए। विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विवाह बंधन में बंधने वाली बेटियों के लिए 19,000 रुपए का दहेज का सामान दे रही है। इस विवाह के लिए शासन ने 25,000 रुपए प्रत्येक जोड़ों के लिए राशि तय कर रखी है। चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के चलते किसी भी परिवार की गरीब बेटी और बेटे की शादी से वंचित ना हो, इसलिए उन्होंने इस मुख्यमंत्री सुकन्या विवाह योजना की राशि जो पूर्व भाजपा सरकार 15,000 दे रही है वह उसने बढ़ाकर 26,000 कर दिया है, ताकि गृहस्थी बसाने से पहले गरीब परिवार की बेटियों के पास कुछ सामान दहेज के रूप में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुकन्या विवाह में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, विधायक प्रतिनिधित्व दाऊलाल चंद्राकर ने सभा को संबोधित करते हुए नए वर वधु को आशीर्वाद देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महिला बाल विकास के अधिकारी, कर्मचारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनको बधाई देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ऐसे सफल आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। माननीय मुख्यमंत्री ने पहले 15,000 का जो अनुदान मिलता था या कन्या विवाह की जो राशि रहती थी उसे बढ़ाकर 25,000 रुपये की, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। ये आयोजन असल सफल होते रहे इसके लिए मैं जितने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद पाट रहे मैं देख रहा हूँ और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है, तो जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कोविड से बचने का। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।